बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधने के साथ ही यूपी सरकार को नसीहत दे दी है। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार में कोटा में लगभग 105 मासूम बच्चों की हुई मौत अति चिंताजनक, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस और इनकी सरकार कतई भी संवेदनशील नजर नहीं आती है। तो ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है मायावती के जरिए, जहां पर कहा गया है कि ऐसे में अच्छा होता कि इस मामले में लोकतांत्रिक संस्थाएं आगे आकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाती। हालांकि यहां पूर्व में यूपी के गोरखपुर में हुई काफी बच्चों की दर्दनाक मौत से सबक सीखकर अब यूपी सरकार को भी अपने अस्पतालों की देखरेख हेतु काफी सतर्क रहना चाहिए, वरना फिर इनकी भी फजीहत राजस्थान की तरह ही होने में देर नहीं लगेगी। तो जिस तरह से राजस्थान के कोटा का यह मामला सामने आया है, एक महीने के भीतर 105 बच्चों की मौत हो गई है, और एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार को तो कटघरे पर लाकर खड़ा कर ही दिया यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी और कहीं ना कहीं नसीहत यहां पर योगी सरकार को दी गई है और कहा है कि आप भी अपने प्रदेश के जो अस्पताल है उनकी व्यवस्था को दुरुस्त रखें, नहीं तो देर नहीं जब इस तरह की स्थिति यूपी में भी बन जाए और आपकी सरकार की फजीहत हो जाए। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, जहां पर उन्होंने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार में कोटा में लगभग 105 मासूम बच्चों की हुई मौत अति चिंताजनक है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस और इनकी सरकार कतई भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अच्छा होता कि इस मामले में लोकतांत्रिक संस्थाएं आगे आकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाती। तो आपको बता दें कि लगातार हमले यहां पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर मायावती कर रही हैं, जिस तरह से बच्चों की मौत का मामला जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसी पर अब योगी सरकार को भी यहां पर कटघरे पर लाकर खड़ा कर दिया है और कहा है कि आप भी अपने अस्पतालों की देखरेख को बेहतर करें, सतर्क रहिए, वरना फिर इनकी भी फजीहत राजस्थान की तरह ही होने में देर नहीं लगेगी। और नरेंद्र यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नरेंद्र, लगातार वार यहां पर किए जा रहे हैं मायावती पूरी तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस को घेर रही हैं और खासकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर रही हैं, लेकिन अब इसी बहाने योगी सरकार को भी घेर लिया गया है। गोरखपुर का वो मामला बताया गया है, वो याद दिलाया गया है कि किस तरह से उस दौरान भी बच्चों की मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और अब जरूरत है कि यहां आप अलर्ट हो जाएं। बिल्कुल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कांग्रेस पर सीधा हमला है। लखनऊ में थी तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की मौत का जिक्र किया था और विरोधी पार्टियों को मुद्दा ना बनाने, सड़क पर ना उतरने के लिए आड़े हाथों लिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का की तरफ भी उन्होंने इशारा किया था। आखिर क्यों ये लोग डरे हुए हैं, क्यों सरकार के खिलाफ ये लोग उतर नहीं रहे हैं, इसी का पलटवार मायावती ने अपने ट्वीट में किया है और राजस्थान के कोटा की घटना का जिक्र किया है कि 105 से अधिक बच्चों की मौत हुई है, इसमें कांग्रेस सरकार संवेदनशील रही है। वहीं योगी सरकार को इन्होंने नसीहत दी है और कहा है कि पुरानी घटना फिर न रिपीट हो और सरकार फजीहत से बचे, सतर्क रहे। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी। बच्चों की मौत का मामला प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी आलोचना की गई थी और योगी सरकार की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और राजस्थान की घटना को बेहद ही संवेदनशील बताया गया था और कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला था। कल ही अखिलेश यादव ने भी बच्चों की मौत का आंकड़ा पेश करने का दावा किया। उन्होंने कहा गोरखपुर में अब तक 1000 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, उसके आंकड़े मैं सोमवार मंगलवार को पेश करूंगा मीडिया के सामने। तो इसके बाद आज मायावती नरेंद्र के ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले कुछ दिन से लगातार या फिर महीनों से कहें लगातार प्रियंका गांधी सक्रिय है यूपी की राजनीति को लेकर, अब कहीं ना कहीं उन पर ये हावी होती हुई दिख रही है मायावती। बिल्कुल मायावती जिस तरीके से एनआरसी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर निष्पक्ष रही हैं और उन्होंने केवल ट्वीट किया था और लोगों से अपील की थी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाई और प्रदर्शनकारियों के घर जाकर और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मुहिम छेड़ी यूपी में और कहा कि मैं महिलाओं के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ी हूँ, तो उसी में उन्होंने आड़े हाथों लिया था सपा और बसपा का, उसी का एक पलटवार है। मायावती ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिसको लेकर
कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में मायावती ने खड़ा किया है और ये क्रम लगातार जारी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ कांग्रेस भी शामिल है और बच्चों की मौत को मुद्दा बना रहे हैं और दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और देखना होगा अब ये जो मामला है, जो सिलसिला है, वो कहां तक आगे जाता है और किस तरह से वार पलटवार का दौर जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।